हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चने की दाल बनाएंगे। इसके लिए हमने चना दाल ले लिया है। इसे हम वॉश कर लेंगे, नमक हल्दी डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कटा हुआ टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन कूट लिया है और हरी मिर्ची दो चार ले लिया है, प्याज, तेज के पत्ते। यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दिया, उसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, तेज के पत्ते, दालचीनी, कटा हुआ प्याज, कूटा हुआ अदरक लहसुन, अब इसे हम डालकर अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। हमें यहाँ पर अच्छे पके हुए टमाटर का ही यूज करना है। अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमने जो दाल को बॉईल किया था उसे डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। अगर आप रेड चिली पाउडर खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। जब हमने प्याज लहसुन को भुना उसी स्टेज पे, अब हम यहाँ गार्निश के लिए धनिया की पत्ती डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अब हम इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।